कोई पता नहीं 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है, अपनी औलाद को कब्र का काम कर दो। देख सुबह शाम तरस देते थे कि बेटा दुनिया में तुझे तकलीफ हो, बाप कुर्बान जाता है, माँ वारे न्यारे जाती है, लेकिन बेटे कब्र में तो आपने तन्हा जाना है, उधर माँ और बाप काम नहीं आएंगे, उधर तेरे आमाल काम आएंगे। यही वजह है फिर उनकी औलादें हराम काम नहीं किया करती थी। उनको यही सिखाया गया था, जिस जात ने तेरी कब्र को ठंडा करने, वो तुझे हर जगह देख रही है, वो ये दर्श देते थे। फिर इसलिए अपनी औलादों पे तरस खाइए, अपनी औलादों को आखरत का ताजर बनाइए, दुनिया का ही नहीं सिर्फ उनके माइंड में आखरत डालिए कि बेटा तेरी कब्र जन्नत का भाग होनी चाहिए। उनको समझाते रहे, वाज करते रहे। एक बाप जब अपनी औलाद को वाज करता है, अल्लाह पाक को ये अदा बड़ी पसंद है। बेनमाज औलाद कभी भी मां बाप की आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। मेरे पैगंबर फरमाते जो ही लकुर्रतु ऐनी फिस्सला, लोगों मेरी आंखों की ठंडक रब ने नमाज में रखी है। अगर आप चाहते हैं ना आपका बेटा, आपकी बेटी आपकी आंखों की ठंडक बने, उनको नमाजी बनाओ, नमाजी। मेरी तेरी सोच और यहूदियों की सोच में क्या फर्क है, सिखों की सोच में क्या फर्क है, हिंदुओं की सोच में क्या फर्क है। अगर तू भी अपनी औलाद का रिजक डिग्रियों में समझता है, नहीं है डिग्रियों में रिजक, रिजक के फैसले आसमान पे होते हैं। ये फकीर तेरे सामने बैठा है, मैंने स्कूल की 6 क्लासें पढ़ी हैं, और देहात में हमारा इदारा है, 1 महीने का 4 लाख से ज्यादा खर्चा है, अल्लाह मुझे देता है। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है, हदीस का नंबर है 1631। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हो वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा मातल इंसानु, कि जब इंसान को मौत आ जाती है, और मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका कोई काफर भी इनकार नहीं करता। कभी कभी कब्रिस्तान जाया करें, उधर देखा करें मिट्टी के नीचे कौन कौन दफन है।
जिस तरह मुझे और आपको आज शैतान धोखे में डाले हुए है कि अभी तेरी मौत का वक़्त नहीं आया, उनको भी शैतान यही कहता रहा, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता के वो कब्रिस्तान पहुंच गए। शैतान ज़्यादातर मालदार को धोखा देता है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। शैतान कहता है तुझे मौत नहीं आएगी, मौत आती है गरीबों को जिनके पास इलाज के लिए पैसे ना हो, तुझे तो थोड़ा सा कुछ हुआ महंगा डॉक्टर तेरे घर में इलाज के लिए आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ धोखा ही होता है, कोई डॉक्टर भी किसी को मौत से नहीं बचा सकता। एक बड़ा ही अमीर और मालदार इंसान गुजरा है जिसने मौत से बचने के लिए घर में 12 डॉक्टर रखे हुए थे, वो 12 डॉक्टर भी उसको मौत से नहीं बचा सके। इदा मातल इंसान, जब इंसान को मौत आती है, इनकता अनहु अमलुहु, तो उसके दुनिया के काम ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। ये एक हकीकत है जिसको आज उलझाव में डाल दिया गया है। जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए फिर वो कुछ नहीं कर सकता। या जिस तरह दोस्त कहते हैं कोई अल्लाह का वली या पैगंबर दुनिया से पर्दा फरमा जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कारी साहब अभी तरावियों में पढ़ रहे थे सूरतुल आराफ नामा सिबारा आयत नंबर 197, अल्लाह पाक फरमाता है, वल्लदीन तदउन मिन दूनेही, वो लोग जिनको अल्लाह के सिवा तुम गैबी मदद के लिए पुकारते हो। अल्लाह के सिवा कौन है? सारी कायनात अल्लाह के सिवा ही है, सारे पैगंबर अल्लाह के सिवा है, सारे औलिया अल्लाह के सिवा है। अल्लाह कहता है जिनको भी तुम गैबी मदद के लिए आवाज देते हो अल्लाह के सिवा, ला यस्ततीउन नसरकुम, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। और आगे अल्लाह पाक ने कमाल कर दिए, जाके सादा तर्जमा घर से पढ़ना, अल्लाह फरमाता है वो तेरी मदद कहाँ से करेंगे, वला अनफुसहुम यनसुरून, अब उनके जिस्म से रूह निकल गई है, अब तो वो अपने काम नहीं कर सकते, वो अपनी मदद नहीं कर सकते। हाथ सीधे नहीं तो सीधे नहीं कर सकते, पांव सीधे नहीं कर सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते, मुंह बंद नहीं कर सकते। मुझे कोई एक मिसाल दो, एक मिसाल कि दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद किसी पैगंबर या वली या सिहाबी ने गुसल खुद किया हो, सिर्फ एक मिसाल। अल्लाह फरमाता है वला अनफुसहुम यनसुरून, अब वो तेरा मोहताज हो गया, अब वो कपड़े उतार नहीं सकता, गुसल कर नहीं सकता, कफन पहन नहीं सकता। चलो कफन पहना दिया, उनको कहो कब्रिस्तान ही चले जाओ, जा सकते हैं? कब्रिस्तान नहीं जा सकते। कब्रिस्तान ले गए हो, कब्र में खुद उतर सकते हैं? नहीं उतर सकते। वला अनफुसकुम यनसुरून, अब वो अपनी मदद नहीं कर सकते। चलो कब्र में उतार दिए, मट्टी डालने के बाद जो आवाजें देनी है उनको कहो कि चलो स्लेपें ही अपने ऊपर डाल लो, डाल सकते हैं स्लेपें, उनको कहो स्लेपों को आवाज दे, बाद में जो मसाइल हल करने हैं अब तो पहले कर दे। स्लेपें ऊपर नहीं डाल सकते, मट्टी ऊपर नहीं डाल सकते। शैतान शिरक लाने से पहले अकल पे पर्दा डालता है, मट्टी डालने तक हम उसके काम करते रहे। कितने अफसोस की बात है, मट्टी जब डल जाती है वो हमारे काम करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन कता अनहु अमलुहु, उसके दुनिया के काम खत्म हो जाते हैं। ये आयत तुझ पे कर्ज है। और एक और कर्ज, दूसरी आयत 22वां पारा सूरह फातिर आयत नंबर 13, अल्लाह फरमाता है वल्लदीन तदउन मिन दूनही मा यमलिकून मिन कितमीर, अल्लाह के सिवा गैबी मदद के लिए तुम जिनको आवाज देते हो, खजूर के अंदर गुठली है, गुठली के ऊपर एक पतला सा छिलका होता है, अल्लाह कहता है अब जब रूह निकल गई है वो गुठली के छिलके का भी मालिक नहीं रहा।
बैंक बैलेंस था जब रूह थी, प्रॉपर्टी थी जब रूह थी, गाड़ी इनके नाम बोलती थी जब इनके जिस्म पे रूह थी, रूह निकल गई गुठली का छिलका। अल्लाह ने कैसा अजब अंदाज से समझाया है, खजूर एक कबर है और खजूर की गुठली वो कबर की मैयत है और गुठली का छिलका वो मैयत का लिबास है। अल्लाह कहता है जब रूह निकल जाए तो इंसान अपने कपड़ों का भी मालिक नहीं रहता। आप तो सारे मुझे समझदार नज़र आ रहे हैं, इधर को अल्लाह का बुजुर्ग आ जाए और सारे मिलके उसके कपड़े उतारना चाहे तो वो आपको कपड़े उतारने देगा? वो आपके सर में डांग मारेगा, अपनी चादर को हाथ नहीं लगाने देगा। लेकिन यही बुजुर्ग अगर दुनिया से चला जाए फिर हम उसके कपड़े फाड़ के भी उतारते हैं तो रोकता है? अब क्यों नहीं रोक रहा? अल्लाह कहता है अब ये अपने कपड़ों का भी मालिक नहीं रहा, अब तो ये इतना कमजोर हो गया। अगर कब्र की मट्टी इसके कफन को छीन के खाना शुरू कर दे तो ये कब्र की मट्टी से अपना कफन नहीं छुड़ा सकता, तेरी मुश्किल हल कहां से करेगा? जब इंसान को मौत आ जाती है इनकता अनहु अमलहु, उसके दुनिया के काम खत्म हो जाते हैं। इल्ला मिन सलास, सिवाय तीन कामों में से अगर कोई जिंदगी में तीन कामों में से कोई काम कर जाए तो उसके काम तो खत्म हो जाते हैं लेकिन उसकी नेकियां नहीं खत्म होती, नेकियों का सिलसिला फिर भी जारी रहता है। बिसदका तिन जारियतिन, कुछ सदका जारिया ऐसा सदका कर जाता है कि इसके मरने के बाद भी लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं। औ इल्मिन युनतफाउ बिही, या इल्म छोड़ जाए, कोई आलिम तैयार कर जाए, किसी अंदाज से भी दीन की खिदमत कर जाए इल्म की सूरत में, जैसे जैसे इल्म फैलता रहेगा इसको कब्र में नेकियां पहुंचती रहेगी। और जिस बात को हमने फोकस करना है, तीसरी बात है वाला दिन साले यदू लहू, नेक औलाद छोड़ जाए तो उसकी नेकियों का सिलसिला भी कब्र में चलता रहता है। औलाद कीमती सरमाया है, ये अल्लाह पाक की अमानते हैं। अगर औलाद सवर जाए, इनकी तरबियत अच्छी हो जाए तो शबाश माँ बाप को मिलती है। बुखारी शरीफ में हदीसे पाक है, जंती आदमी को सुबह शाम कब्र में जंती महल दिखाया जाता है। एक दिन वो देखता है कि मेरा बंगला महल पहले से ज़्यादा खूबसूरत है, वो पूछता है अन्ना लिहाजा, मैंने अब अमल तो किया नहीं, ये मेरा दर्जा बुलंद कैसे हो गया है? तो मुसनद अहमद की हदीस पाक है, उसको बताया जाता है बिस्तिगफारी वाला दिका लक, तू नेक औलाद छोड़ के आया था, तू जब आया पीछे तेरी नेक औलाद थी वो तेरे लिए बख्शिश की दुआ करती रही, हम तेरे गुनाह माफ करते रहे, वो दुआ करती रही हम गुनाह माफ करते रहे, अब नौबत यहां तक थी, अब तेरे खाते में गुनाह तो थे नहीं लेकिन तेरे बेटे ने आज फिर तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है, गुनाह तो नहीं थे, गुनाह माफ करने की जगह हमने जन्नत में तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया है। इसलिए शबाश माँ बाप को मिलती है, औलाद सदका जारिया बनती है, ये अल्लाह की अमानत है। बुखारी शरीफ में 7 जगह मैंने आज ये हदीसे पाक पढ़ी है कि बाप से अलग पूछा जाएगा, माँ से अलग पूछा जाएगा कि ये औलाद अल्लाह की अमानत थी, उनकी तरबियत कैसे की। और याद रखिए औलाद सवरती है तो शबाश माँ बाप को है, अगर अल्लाह ना करे औलाद बिगड़ जाए तो उसके सबसे पहले मुजरम माँ और बाप ही होते हैं। महल्लेदार नहीं, ये गलत सोच है, बेटा तो मेरा ठीक था, महल्लेदारों ने खराब कर दिए, मेरे बेटे के कसरों ने खराब कर दिए, दोस्तों ने खराब कर दिया। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के बिगड़ने पे सबसे पहले मुजरम मां और बाप को बनाया है। बुखारी शरीफ में 5 जगह ये हदीसे पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मां मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, जो भी बच्चा पैदा होता है अच्छी सोच वाला होता है, अच्छे नजरिए वाला होता है, फरमा बरदार होता है, इस्लामी सोच वाला होता है, उसका दिलो दिमाग शीशे की तरह साफ होता है, वो गंदे दिमाग वाला नहीं होता।
तो फिर यहूदियों जैसे काम क्यों कर देता है? फिर ईसाई कैसे बन जाता है? फिर दीन का दुश्मन कैसे बन जाता है? फिर कुरान और हदीस से दुश्मनी करने वाला कैसे हो जाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा तो मुसलमान ही था, फअबवाहु युहव्वदानही औ युनस्सिरानही औ युमज्जिसानी, उसको यहूदी बनाया माँ बाप ने, उसको ईसाई बनाया माँ बाप ने, उसको मजूसी बेदीन बनाया है तो माँ बाप ने बनाया है। इसलिए सबसे पहले मुजरम माँ और बाप है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के पास एक बूढ़ा लाठी के सहारे अपने बेटे की शिकायत करता हुआ आया, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी सारी जवानी लगाई है अपने बेटे को पालने पे, कमाता मैं था, मैं अपने बेटे को खिलाता रहूं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरा बेटा जवान है, अब वो कमाने के काबिल हुए, अब वो मुझ पे खर्च नहीं करता, वो मेरा नाफरमान हो गया, इन नबड़ी यूकुनी। आज भी ये घर घर का मसला है ना, माँ भी रोती है बाप भी रोता है। अमीरुल मोमिनीन ने भेजा इसके बेटे को पकड़ के लाओ, पकड़ के लाया गया, अदालत फरूकी में बाप बेटे को खड़ा कर दिया गया। सबसे पहला सवाल अमीरुल मोमिनीन ने बाप से किया है, मा अल्लमतहु मिनल किताबी वस्सुन्ना, बुजुर्गों पहले तुम बताओ हाँ, आपने अपने इस बेटे को कुरान और हदीस की तालीम दी है? अब मैं आपसे भी सवाल करता हूं ना, आज जो शिकवे शिकायतें करते हैं, कोई कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, मैं अदब से सवाल करता हूं, आपने अपनी औलाद को क्या तालीम दी है? जिस तालीम ने, जिस इलम ने, जिस कुरान और सुन्नत ने आपकी औलाद को आपके हुकूक बताने थे, आपका अदब बताया था, क्या वो दीन, वो मजहब, वो इलम आपने अपनी औलाद को पढ़ाया? वो इलम वाला कोई तालब इलम देख ले तो तेरा खून खौल जाता है। तू कुरान पढ़ने वालों को इंसान नहीं समझता, हदीस पाक के स्टूडेंट को तू इंसान नहीं समझता। ओ नादान, तूने अपनी औलाद को लगाया है कि किसी तरीके से मेरा बेटा अंग्रेज बने। अंग्रेज बनाने पे तूने दौलत भी लगाई है, तूने वक्त भी लगाया है, अपनी औलादों की जिंदगी भी तबाह की है। उनके हां जानते हो क्या कानून होता है? अंग्रेजों के हां कानून ये है, कुत्तों को तो बेडरूम पे आप लिटा सकते हैं, लेकिन मां बाप बूढ़े हो जाएं तो हुकूमत को जमा करवाओ। नौजवान को है वो अपने फंक्शन, अपनी जिंदगी मजे की गुजारे, ये बूढ़े बोझ है, ये बोझ हुकूमत उठाए। अंग्रेजों के यहां ये कानून चलता है, तूने वो मजहब पढ़ाया है, और फिर बूढ़ा हो जाता है तो तू मौलवी साहब को कहता है मेरे बेटे को कुरान और हदीस ही सिखा दो, उनके बारे में कोई मसला बयान करो, मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता। तूने जो बोया है आज तू वही काटेगा। कुरान और हदीस सिखा, कुरान और हदीस ही तो आपकी बेटी की तरबियत करता है, आपके बेटे को यही तो दरस कुरान और हदीस देता है, कुरान और हदीस ये सिखाता है। ओ नौजवान, जब तू कमाने के काबिल हुए, तेरे बीवी बच्चों का खर्चा बाद में, बल्कि तूने अपना खर्चा भी बाद में साइड पे करना है, सबसे पहले तूने अपनी कमाई अपने माँ बाप पे खर्च करनी है। ये कुरान हदीस सिखाता है। यस अलूनक मादा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक्रबीन। और नौजवान, ये कुरान कहता है, कुरान जिस कुरान से तुझे आज दुश्मनी हो गई है, कुरान कहता है तुमने जो भी खर्च करना है सबसे पहले अपने माँ बाप पे खर्च करो। ये कुरान और हदीस तालीम देता है आपके बेटे को, और हदीस पाक भी यही सिखाती है। बुखारी शरीफ खोलो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन आदमी गार में फंस गए थे, पत्थर आ गया, दोनों ने अपनी अपनी नेकियों का तस्करा किया, लेकिन पत्थर इतना ना हटा के वो बाहर आ सके। तीसरा आदमी कहता है, अल्लाह मेरी नेकी तुझे याद है, अल्लाह तू तो नहीं भूलने वाला, मैं गरीब तेरा बंदा हूं, बकरियां चराता हूं, बकरियों के दूध पे हमारा गुजारा होता है, शाम तक मेरे बच्चे इंतजार करते रहते हैं, शाम को दूध पिलाता हूं,
फिर थोड़ा सा दूध, सुबह नाश्ता करता हूँ, फिर सारा दिन मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते हैं। अल्लाह, गरीब जरूर हूँ लेकिन जिंदगी का एक कानून है, मैं अपने बीवी बच्चों से पहले, बल्कि खुद पीने से भी पहले मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता हूँ। अल्लाह, एक दिन मेरी आजमाइश का था, अल्लाह तुझे तो याद है मैं दूर निकल गया, वापस आया, जब घर दाखिल हुआ बच्चे दौड़े हुए आए, बाबा आए हमें दूध पिलाएंगे, मैंने जल्दी से दूध धोया, प्याला पकड़ के सीधा मैं अपने माँ बाप के कमरे में पहुंचा, बच्चे मेरे पीछे पीछे, मैंने क्या देखा, मेरे आने से पहले मेरे माँ बाप सो चुके हैं। अल्लाह, मैंने अपने माँ बाप की नींद को खराब नहीं किया। फिर मैं प्याला पकड़ के अपने माँ बाप के सराहने खड़ा हो गया। हदीसे पाक तेरे बेटे की ये तरबियत करती है, तूने अपनी औलाद को ये मजहब नहीं पढ़ाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो रोता हुआ कहता है, अल्लाह मैं प्याला पकड़ के खड़ा रहा, बस सबीयत यतज़ागौना इंदा कदमैया, और बच्चों को कौन समझाता, वो मेरे पांव के साथ चिमट के मुझसे दूध मांगते रहे। बाबा, हम सारा दिन आपका इंतजार करते रहे, हमें भूख लगी, हमें दूध पिला दो। अल्लाह, मैं अपने माँ बाप के सराहने खड़ा रहा और बच्चे पांव से चिमट के दूध मांगते रहे। ज़ाका दाबी वदाबुहुम हत्ता अस्बहा, मेरी और मेरे बच्चों की यही कैफियत रही कि सुबह हो गई, सुबह मेरे माँ बाप खुद बेदार हुए। फिर मैंने पहले अपने माँ बाप को दूध पिलाया, फिर अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाया। अल्लाह, अगर ये नेकी तुझे पसंद है, आज गार के धाने पे पत्थर आ गए, जिंदगी खतरे में, अल्लाह इस पत्थर को हटा दे। एक रिवायत के अल्फाज है, उसने जब इस नेकी का तस्करा किया तो पत्थर के टुकड़े हो गए थे। कुरान हदीस ही तरबियत कर सकती है, औलाद को आंखों की ठंडक कुरान हदीस वाला इलम करता है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा सियासतदान है, 2000 एकड़ का मालक है, 2000 एकड़ का मालक है, उसने अपने बेटे को पढ़ाया अमरीका। मुझे बताओ का, जिसको अल्लाह ने इतनी दौलत दी है उसने डिग्रियों को क्या करना है, अमरीका पढ़ाने की क्या जरूरत थी, लेकिन पढ़ाया उसने। देखा देखी भेड़ चाल बनी हुई है, जब वापस आया घर के अंदर आते ही उसने कुत्ते रखे हैं, कुत्ते रखे हैं, और मुलाजम कहते हैं बाप से ज्यादा वैल्यू घर में कुत्तों की है। उस कानून में तालीम ही ये दी जाती है, तुझे धोखा दिया जा रहा है, लोगों ने अपने बिजनेस कारोबार बनाए हैं। मैं उस तालीम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, अगर आपने इंटरनेशनल कारोबार करवाना है अपनी औलाद को इंग्लिश जबान सिखाएं, लैंग्वेज सिखाएं, लेकिन तालीम तरबियत वो कुरान और हदीस से होती है। दरअसल मेरी और आपकी सोच महदूद है, हमने अपनी औलाद को सोच महदूद दी है। सहाबा इकराम अपनी औलाद को क्या सोच दिया करते थे, वो दुनिया का टारगेट देते ही नहीं थे। तूने तो टारगेट ही यही दिया है ना, बड़ी गाड़ी कब आएगी, बड़ा बंगला कब बनेगा, साहबा ये टारगेट नहीं देते थे। साहबा अपनी औलादों को कब्र का टारगेट देते थे, वो मेरी औलाद अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना है हमने। हमारी तो सोच है 10-20-30 साल बुढ़ापे का कैसे गुजरेगा, और ए नादान, तू अपना भी दुश्मन है, अपनी औलाद का भी दुश्मन है। इस जहान के बाद भी एक जहान है, उधर गया कोई वापस नहीं आया, वो सोच दे मुस्तकिल की अपनी औलाद को। साहबा ये सोच देते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नो सुबह अपनी औलाद को दरस देते और क्या कहते, इदा अस्बह तुम फला तंतजिरुल मसा, ओ मेरे बेटो, ओ मेरी बेटियो, तुमने सुबह कर ली है ना, शाम का इंतजार ना करो, शाम किसने देखी है, हो सकता है शाम से पहले किसी का जनाजा निकल जाए।
शाम होती फिर अपने बच्चों को इकट्ठा कर लेते, ओ मेरे बेटो इदाम सही तुम फला तंतजिरु सबाहा, जब तुमने शाम कर लिए सुबह का इंतजार ना करो, हो सकता है सुबह से पहले मौत आ जाए। पत्तों की पिछले दिनों दरस था, उधर एक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी को आग लग गई, बाप और तीन बेटे आग में झुलस गए। ऐसा है कोई पता नहीं 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है, अपनी औलाद को कब्र का टांग कर दो। देख सुबह शाम दरस देते थे कि बेटा दुनिया में तुझे तकलीफ हो, बाप कुर्बान जाता है, माँ वारे न्यारे जाती है, लेकिन बेटे कब्र में तो आपने तनहा जाना है, उधर माँ और बाप काम नहीं आएंगे, उधर तेरे अमाल काम आएंगे। यही वजह है फिर उनकी औलादें हराम काम नहीं किया करती थी। उनको यही सिखाया गया था, जिस जात ने तेरी कब्र को ठंडा करने वो तुझे हर जगह देख रही है, वो ये दर्श देते थे। फिर उनके दिलो दिमाग में उनका टारगेट आखरत था, दुनिया नहीं थी। वही अब्दुल्ला बिन उमर उनके बेटे सालिम में बैतुल्ला में राशे लोग जमा हो गए, उम्र फारूक का पोता अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा है। वक्त के बादशाह ने देखा इधर रश, कहा मदीना शरीफ से अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे सालिम आए। ठहर गया, उस वक्त के बादशाह भी अच्छे लोग हुआ करते थे, आज तो जिसके पास एक गाड़ी आ जाए उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है, और वो मलकुल के मलकुल मौत के बगैर फिर वो सरिया टूटता नहीं है। उस वक्त के बादशाह भी अच्छे थे। ठहर गया, चलो लोगों का रश खत्म होता है तो मैं इनकी खिदमत कर जाऊं, हो सकता है अल्लाह मुझे माफ कर दे। रश खत्म हुआ, करीब हुए, कहते आप उमर फारूक के पोते हैं, आप अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं जी। कहा मैं वक्त का बादशाह अब्दुल मलिक हूं। कहा जी क्या बात है? कहा मुझे अल्लाह ने दुनिया की बादशाही दी है। अलका हाजतुन, दुनिया में जिंदगी गुजारते वक्त बंदे को जरूरतें होती, कोई जरूरत है तो मुझे शेयर कीजिए, मैं आपके क्या काम आ सकता हूं। जिनको टारगेट कब्र का दिया गया था उनका जवाब सुनिए। आज तो ओद्दों की खातर लोग बेवकूफ हुए फिरते हैं, बोले हुए फिरते हैं। इधर देख बादशाह कहते हैं तुझे क्या चाहिए? उम्र फारूक के पोते का जवाब सुनिए। कहता है वक्त के बादशाह जरा देखो तो सही, हम खड़े कहां हैं? इन्नी इस्तहयीतु मिन रब्बी अन अस्अल फी बैतिही गैरहु, मुझे मेरे रब से हया आती है कि उसके घर में खड़े होके अल्लाह के सिवा मैं आपसे मांगू। बादशाह ने कहा बात बिल्कुल ठीक कही, अल्लाह के घर में लोग अल्लाह से मांगने के लिए आते हैं, वो अल्लाह के घर में मुझसे मांगे। अपने मुलाजमों को कहता है सालिम को देखते रहना, जब अल्लाह के घर से बाहर निकले मुझे इत्तला देना, बड़ी अजीम शख्सियत है, इनके काम आ जाओ, नेकी अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। इत्तला मेरी, दौड़ा हुआ आया, कहा सालिम आप अल्लाह के घर से अब बाहर आ चुके हैं, अल्लाह का हाजत उन कोई जरूरत हो कुछ चाहिए मुझे आर्डर दीजिए। रुक गए, कहा वक्त के बादशाह आप मेरे क्या काम आ सकते हैं, मुझे क्या दे सकते हैं? अमिन हवाई जी दुनिया औ मिन हवाई जिल आखिरा, मेरी दुनिया की जरूरत पूरी करोगे या आखिरत की जरूरत पूरी करोगे? बादशाह कहता है मुझे अल्लाह ने दुनिया का बादशाह बनाया, आखरत तो मेरे बस की बात नहीं। वो रोता हुआ क्या कहता है, वल्लाहि मा साल तो दुनिया में यमलिकुहा वो कई बात सालू मल्ला यमलिकुहा, वक्त के बादशाह अल्लाह की कसम दुनिया का सवाल तो कभी हमने अपने रब से नहीं किया, और मैं दुनिया का सवाल आपसे कैसे कर सकता हूं, आप तो दुनिया के आर्जी बादशाह हैं, मैं हकीकी बादशाह से। उनकी औलादों को ये टारगेट मिला था कि बेटा कब्र अपनी संवारनी है, दुनिया तो गुजर ही जाएगी। यही बताए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुलूगत को पहुंची है बच्ची, जवान बच्ची आई है, अर्ज करती है अल्लाह के रसूल दिल चाहता है आपके खुतबात सुनूं, आपके पीछे नमाजें पढ़ूं, लेकिन इन्नी उसरा फदुल्लाह अली, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मैं गिर जाती हूँ,
दुआ कीजिए अल्लाह मुझे शफा दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंशेति दाउतुल्लाह युआफिया की, अगर तुम चाहती हो मैं दुआ कर देता हूं मेरा अल्लाह आपको शफा दे देगा। गारंटी मिली है कि इधर से हाथ उठेंगे तुझे शफा मिल जाएगी। लेकिन बेटा एक मेरा मशवरा है, इन समर्थी वाला किल जन्ना, अगर इस ला इलाज मर्ज पे तुम मुझसे दुआ ना करवाओ, सबर करोगी तो मेरा अल्लाह तुझे जन्नत देगा, तेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। उसने नहीं बोला, अल्लाह के रसूल फिर मुझे इजाजत दो मैं अपने बाप से तो पूछ के आऊं, अपनी माँ से तो पूछ के आऊं, पता नहीं उसके अरमान के। जिस तरह आगे इज्जत रहे न रहे, दीन ईमान रहे न रहे, बेटी डिग्री आनी चाहिए, डिग्रियों पे इससे नाम कर रहे। शुरू में ही तूने अपनी औलाद का दुश्मनी करते हुए जहन्नम के रास्ते पे चलाया है, शुरू से ही माइंड ये बना दिया, बेटा हुकूमत की नौकरी ले लो, तुझे तलाक भी हो जाए ना चलो तेरा खर्चा तो चलता रहेगा, वो हमारे इलाके का है तो एक दुनियादार, लेकिन वो बात सही करता है, वो कहता है जिसने अपनी बेटी को जहन्नम में फेंकना हो वो हुकूमत की नौकरी लगवा दे, क्योंकि हुकूमत की नौकरी का भी एक तकब्बुर होता है। मर्द के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप को जन्नत और जहन्नम कहा है, और औरत के लिए शौहर को जन्नत और जहन्नम कहा है। जब नौकरी होगी तो वो शौहर की खिदमत नहीं करेगी, जब शौहर की खिदमत नहीं करेगी, शौहर की खिदमत ना करना इतना ही बड़ा गुनाह है जिस तरह कोई बेटा माँ बाप की खिदमत नहीं करता। तूने शुरू में ही अपनी बेटी को किस तरफ चला दिया है, अब देख ये भी बच्ची है, कोई पता नहीं कितनी उम्र है, एक तरफ नकद है कि शफा तुझे अभी मिल जाएगी, दूसरी तरफ है कि इस पे सबर करो तेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। बुखारी खोलो, वो फौरन बोली, अर्ज करती है अल्लाह के रसूल अगर आप जन्नत की गारंटी देते हैं तो फिर दुआ मत कीजिए, सबर करके अपने रब से जन्नत ही लूंगी। वो अपनी औलादों को ये टारगेट देते थे कि बेटा दुनिया तो गुजर ही जाएगी, असल बेटा कब्र है, कब्र तेरी जन्नत का बाग होनी चाहिए। इसलिए अपनी औलादों पे तरस खाइए, अपनी औलादों को आखरत का ताजर बनाइए, दुनिया का ही नहीं सिर्फ उनके माइंड में आखरत डालिए कि बेटा तेरी कब्र जन्नत का बाग होनी चाहिए। उनको समझाते रहे, वाज करते रहे। एक बाप जब अपनी औलाद को वाज करता है अल्लाह पाक को ये अदा बड़ी पसंद है। वो सियाना बाप है, उसको कुरान ने सियाना बाप कहा है, समझदार बाप कहा है जो अपनी औलाद को वास करता है। आज परे पंचायत में हमें बड़ी बातें करनी आती हैं, लोगों के साथ बड़ी बातें करनी आती, नहीं करते तो अपनी औलाद से नहीं करते। अल्लाह कहता है वाला का दातीना लुकमान अल हिकमा, लुकमान एक सियाना और समझदार बाप था, हिकमत वाला था, सियाना था, समझदार था। क्या सियानपो था, आज सियाना वो है जिसने हर बेटे को एक एक गाड़ी दी है, सियाना वो है जिसने हर बेटे को कोठी बना के दी है, सियाना वो है जिसने हर बेटे को एक एक फैक्ट्री दी है। अल्लाह ने उस बाप को सियाना क्यों कहा है कि लुकमान सियाना बाप था, क्या अदा थी। अल्लाह कहता है इस काल लुकमान लिबने ही वहुआ याइजुहु, उस वक्त को याद करो जब लुकमान अपनी औलाद को सामने बिठा के उनको वास दिया करते थे। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई है, अल्लाह पाक ने लुकमान अलैहिस्सलाम का कुरान में ऐसे तस्करा किया है जैसे अल्लाह अपने पैगंबरों का तस्करा करता है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उस सूरत का नाम ही सूरह लुकमान रख दिया था। वो क्या करते थे, अपनी औलाद को वास करते थे, अपने बेटे को समझाया करते थे, वक्त निकालिए अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद को समझाया करें। एक सियाना समझदार बाप अपनी औलाद को क्या वास करे, क्या समझाए, वही समझाए
जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाए हैं। दो वाज ही अर्ज करने हैं। पहला वाज लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पहला वाज क्या किया, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ओ मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। समझदार बाप अपने बेटे को शिरक से डराता रहता है, शिरक से डराता रहता है। आजकल तो अजब फलसफा है जी, शिरक इस उम्मत में कहां से आ गया, लोग शिरक शिरक की बातें लेकर बैठ जाते हैं। कुरान पाक के अंदर सबसे सख्त कवानीन अल्लाह ने शिरक के बारे में उतारे। पांचवें सिपारे में अल्लाह ने दो बार बोला है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, ओ मेरे बंदे तेरी जो खताएं अल्लाह चाहे माफ कर सकता है, लेकिन शिरक अल्लाह माफ नहीं करेगा। सातवें सिपारे में अल्लाह ने सारे पैगंबरों का जिक्र किया है, बल्कि 18 का तो नाम भी ले दिया है। फिर बोला है, वलौ अशरकू लहबितान हुम्मा कानू या मालून, इनमें से एक नहीं ये सारे भी शिरक करते तो अल्लाह फरमाता है मैं सबकी नेकियां बर्बाद कर देता। समझदार बाप अपनी औलाद को शिरक से डराता है। सुनन अबी दाऊद की हदीस है, आप फरमाते ला तकुम मुसातु हत्ता तलहकु कबा हत्ता तलहका कबाइल मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, उस वक्त तक मेरी उम्मत पे क्यामत नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कई कबीले मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे। इसलिए सियाना बाप अपनी औलाद को शिरक से डराते हैं। देख सूरह बकरा, एक पैगंबर दुनिया से जा रहे हैं, मौत का वक्त आ गया। आजकल तो दुनिया दुनिया करते जा रहे हैं, बूढ़े को मरते हुए भी कब्र की नहीं सूझती, मरते हुए भी यही नसीहतें करता है, फलां से इतने लेने हैं, फलां को इतने देने हैं, फलां से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं मर भी जाऊं उनसे सुलह नहीं करनी। कब्र में उतरते वक्त भी आंख खरीद के जा रहे होते हैं, देख अल्लाह का एक पैगंबर है, मौत का वक्त आ गए। अम कुंतुम सुहदा इज हजर याकूब अल मौत, उस वक्त को याद करो जब यकूब अलैहिस्सलाम पे मौत का वक्त आया, उन्होंने अपने बेटों को जमा कर लिया। यूसुफ जैसे बेटे हैं अलैहिस्सलाम, क्या पूछा है मेरे बेटो, लगता है जैसे मेरी मौत का वक्त आ गए, लगता है जैसे मैं जा रहा हूं, ए बेटो मुझे तसल्ली दिलवाओ, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे जाने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे, मुझे दफन कर दिया जाएगा, मेरी कब्र तैयार हो जाएगी। क्योंकि बनी इसराइल में से कईयों की आदत थी, कातलल्लाहुल यहूद व नसारा इत्तखदु कुबूर अंबियाएहिम व सालिहीहिम मसाजिदा, वो अंबिया और नेक लोगों की कब्रों की इबादत शुरू कर देते थे। इसलिए उस अल्लाह के पैगंबर को फिक्र है, ऐ मेरे बेटो मुझे तसल्ली दिलवाओ, मा ताबुदून मिन बादी, मेरी कब्र तैयार होने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे। बेटे रोते हुए अर्ज करते हैं, बाबा आप क्यों परेशान होते हैं, संगीन से संगीन जुर्म तो हम कर सकते हैं लेकिन शिरक तो नहीं ना कर सकते। ना बुदु इलाह का व इलाह आबाई का, हम उसी की इबादत करेंगे जिसकी आप इबादत करते रहे, जिसकी आपके बड़े इबादत करते रहे, हम अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। एक समझदार बाप अपनी औलाद को अकीदा तौहीद सिखाता रहता है। और दूसरा और आखिरी बात वही जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने किया, क्या कहा, या बुनैया अकीमिस्सला, ओ मेरे प्यारे बेटे नमाज नहीं छोड़नी, नमाज की पाबंदी करते रहना। बेटे जिस अल्लाह ने तेरे बाप को पैदा किया है, तुझे पैदा किया है, तेरे सारे निजाम चलाने वाला है, दुनिया का सारा निजाम चलाने वाला है, उस अल्लाह का हक है कि हर रोज उसके सामने अपने सर को झुकाया जाए, ओ मेरे बेटे तूने नमाज नहीं छोड़नी। बेनमाज औलाद कभी भी मां बाप की आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। मेरे पैगंबर फरमाते जोई लकुर्रतु ऐनी फिस्सला, लोगो मेरी आंखों की ठंडक रब ने नमाज में रखी है। अगर आप चाहते हैं ना आपका बेटा आपकी बेटी आपकी आंखों की ठंडक बने,
उनको नमाजी बनाओ, नमाजी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाप को यही दर्स दिया, माँ को यही दर्स दिया है। आप फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम्मा बनाओ सबे सिनीन, जब आपका बेटा आपकी बेटी उनकी उम्र 7 साल हो जाए, 7 साल उम्र है, नमाज सिखा दे। नर्सरी प्रेप एबीसी इंग्लिश की गिनती सब आ गई है, नमाज की अभी उम्र नहीं शुरू हुई तेरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 साल की उम्र है, नमाज सिखा दे अपने बेटे को। हर नमाज पे उंगली से पकड़ के मस्जिद में लेके आ, हर नमाज पे। काम पे गए हो, ड्यूटी पे गए हो, शाम को वापस आओ, सबसे पहला हिसाब होना चाहिए, आज मेरे बेटे ने कितनी नमाजें पढ़ी, बेटी ने कितनी नमाजें पढ़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी और आपकी ये 3 साल ड्यूटी लगाई है कि 3 साल ये ड्यूटी अदा करो। हर रोज अपने बेटे बेटी की 5 नमाजों की फिक्र, आपने 3 साल ड्यूटी देनी है। लेकिन ये ड्यूटी कौन देगा, ये तो पहाड़ लगता है, ये तो मौत लगती है। इसके मुकाबले में स्कूल वालों ने 14 साल ड्यूटी मांगी है, खुशी से देता है, खुशी से 14 साल ड्यूटी देता है। सुबह बाप भी उठ गया, मां भी उठ गई, बाप मोटरसाइकिल तैयार करके खड़ा है, मां नाश्ता तैयार कर रही है, कितनी देर, 14 साल। 14 साल के बाद क्या मिला, मैट्रिक का एक गत्ता। मैट्रिक के एक गत्ते के लिए तूने 14 साल लगा दिए। क्या आप ये समझते हैं आपकी औलाद का रिजक मैट्रिक के गत्ते पे? रिज़्क़ुकुम फिस्समा, हमारे रिजक के फैसले गत्तों में नहीं होते, हमारे रिजक के फैसले आसमानों में होते। मुझे बता मेरी तेरी सोच और यहूदियों की सोच में क्या फर्क है, सिखों की सोच में क्या फर्क है, हिंदुओं की सोच में क्या फर्क है, अगर तू भी अपनी औलाद का रिजक डिग्रियों में समझता है। नहीं है डिग्रियों में रिजक, रिजक के फैसले आसमान पे होते। ये फकीर तेरे सामने बैठा है, मैंने स्कूल की 6 क्लासें पढ़ी हैं और देहात में हमारा इदारा है, 1 महीने का 4 लाख से ज्यादा खर्चा है, अल्लाह मुझे देता है। डिग्रियों में रिजक नहीं है, रिजक के फैसले आसमानों में होते हैं। पिछले दिनों हुकूमत ने सीटें निकाली 2500 MA बेस पे, 2500 सीटें थी और दरखास्तें कितनी जमा हुई, 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा लोग MA की डिग्रियां लेके घर फारक बैठे। तू क्या समझता है, आज कई उलमा भी अपनी औलादों को डिग्रियों के पीछे भगा रहे हैं, कुरान और हदीस छुड़ा के। नहीं है रिजक डिग्रियों में, फिर समाई रिज़्क़ुकुम, रिजक के फैसले आसमानों में होते हैं। 14 साल उधर ड्यूटी दी, कुछ ना मिला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी और आपकी 3 साल ड्यूटी लगाई थी, ये ड्यूटी अदा की है? अगर की है तो मुबारक हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब आपके बेटे बेटी की उम्र 10 साल की हो गई, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम बनाओ अशर सिनीन। अब तेरा बेटा अगर नमाज में सुस्ती करे तो फिर अपने बेटे को मारो, फिर उठा ले डंडा, अब नरमी न कर, अब सख्ती से नमाज पढ़ा ले, अब नमाज पे अपनी औलाद को मार ले। अगर आज आप नहीं ना मारेंगे तो बड़ा होके ये तुझे मारेगा। मेरे महबूब पैगंबर, मेरे बच्चे के लिए भी रहमत है, मेरी जवानी के लिए भी रहमत है, मेरे बुढ़ापे के लिए ही आप ही रहमत है। हम अपने भी दुश्मन हैं, अपनी औलाद के भी दुश्मन हैं, हमारे लिए रहमत मेरे महबूब पैगंबर है। मार ले आज। दीपालपुर में आंखों का एक हमारे दोस्त है डॉक्टर, वो बता रहे थे एक बूढ़ा आया, आंख देखी मैंने, वो सारी रेड थी। मैंने कहा बुजुर्गो तुम्हें क्या हुआ है, कहते मैंने पूछना ही था, बूढ़े से बोला नहीं गया। काफी देर के बाद बोला डॉक्टर साहब मैं आपको क्या बताऊं, आज मुझे मेरे बड़े बेटे ने थप्पड़ मारा है। पत्तों की में प्रोग्राम था, मैं गाड़ी में बैठ गया, पीछे से आदमी आया, जी
एक बुजुर्ग है, उनकी टांग टूटी हुई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं नीचे उतर के गया, वो मेरे गले मिले और रोने लगे। मैंने उनको दुआएं दी, उन्होंने मुझे दुआएं दी। मैं गाड़ी में वापस आया तो मैंने पूछा क्या माजरा था, तो वो बता रहे थे कि इन्होंने रोना ही था जो आपने बातें की हैं दरस के अंदर। दरअसल इन बुजुर्गों की टांग इनके बेटे ने ही तोड़ी है। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशमसीन, आज मार ले अपने बेटे को नमाज पे, नहीं मारेगा तो ये औलाद तुझे मारेगी। साहबा की औलादें, उनकी आंखों की ठंडक क्यों थी? वो अपनी औलाद पे सबसे ज्यादा सख्ती नमाज की किया करते थे, नमाज की। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक बदरी सियाबी के साथ मैंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद उसने अपने बेटे को बुला लिया, इधर आओ, तुमने नमाज पढ़ी है? जी पढ़ी है। जमात के साथ पढ़ी है? कहता बाबा जमात के साथ पढ़ी है। कहते हैं बाप गुस्से में आ गया, बोला अदरक तकबीरत अलूला, जब इमाम साहब ने पहली अल्लाहु अकबर कही थी उस वक्त तुम सब में थे? कहता बाबा नहीं, उस वक्त मैं पीछे था, मेरी रकत नहीं रही, तकबीरे उल्ला रही। इमाम मुजाहिद कहते हैं बैकी में लिखे कि बाप अपने बेटे को इस बात पे इतना डांटने लगे कि बेटा रोने लगा। जब बेटा रोया तो बाप भी रो पड़ा। कहता है बेटे तुम कितनी दलेरी से कहते हो कि मेरी तकबीरें उबला रह गई है। वो बेटे अल्लाह के महबूब पैगंबर के जमाने में जो तकबीरें उल्ला से पीछे रहते थे हम उनको मुनाफिक समझते थे, तुम कहते हो मेरी तकबीरें उल्ला रही है। ओ बेटे मेरे 100 ऊंट मर जाते, यानी मेरा 2 करोड़ का भी नुकसान हो जाता, मुझे इतना दुख नहीं होना था जितने तेरे तकबीरे उल्ला के फौत होने पे तकलीफ हो रही है। वो अपनी औलादों पे सबसे ज्यादा सख्ती नमाज की किया करते थे। आज हम खुद बेनमाज हैं, क्या रोना रोए? औलाद आग नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? तुझे पता नहीं नमाज किसने माफ कर दी है, बल्कि अफसोस की बात यह है आज हमें पीर वो मिले जो कहते हैं साल के बाद नजराना दिया करो, हम जाने और तुम्हारी नमाजें जाने। पता नहीं उनको नमाजें किसने माफ कर दी, नमाज तो मेरे और आपके महबूब पैगंबर को अल्लाह ने माफ नहीं की। किधर? जिहाद के मैदान में, और जंग जारी है दुश्मन से, और जंग भी गोले बंदूकों वाली छुप के लड़ने वाली नहीं, तलवारों वाली जंग है। किसी का सर फटा हुआ, किसी का बाजू कटा हुआ। इसी आन असर की नमाज का टाइम हो गया, साहबा ने अर्ज की अल्लाह के रसूल नमाज नहीं शुरू कर ली, अगर नमाज शुरू कर दी दुश्मन हमला कर देगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, आपने फरमाया मेरे साहबा मेरे रब ने मुझे जिहाद के मैदान में भी नमाज माफ नहीं की। 5वां सिपारा पढ़ना कभी तर्जमे के साथ, चलो तुम्हें ज्यादा ही खतरा है, 2 जमातें बना लो, एक दुश्मन से लड़ती रहे, दूसरी मेरे पास आए, मैं उनको पहले नमाज पढ़ाता हूं, जब ये पढ़ ले फिर ये दुश्मन के सामने चले जाए, दूसरी जमात आ जाए फिर मैं उनको नमाज पढ़ा दूंगा। इस तरह तरीका बदल लो, लेकिन मेरे रब ने मुझे और तुम्हें जिहाद के मैदान में भी नमाज माफ नहीं की। इसलिए सबसे ज्यादा अपने घर के अंदर सख्ती नमाज पे कीजिए। इस पे बात शुरू करें तो बात रात निकल गुजर जाएगी। आखिरी बात और बात खत्म करते हैं। बाप बेटा रूम की जंग में शरीक थे, रूम फौजियों ने शब खून मारा, बेटा कैद हो गया। अल्लाह सबके बेटों की हिफाजत फरमाए, जिनका बेटा कैद हो जाए उनके घर में तो रोटी नहीं ना पकती थी। आज भी किसी का बेटा गुम हो जाए माँ भी रोती है, बाप भी रोता है, परेशान होते हैं, पता नहीं हमारे बेटे को नाश्ता भी मिला या नहीं मिला, दोपहर का खाना भी मिला या नहीं मिला, रात का भी खाना मिला या नहीं मिला, पता नहीं बिस्तर भी मिला या नहीं मिला। साहबा फरमाते हैं
उस बाप की हमने अजीब कैफियत ये देखी, जब मुअज्जिन अजान कहता था तो वो ढाई मार के रो पड़ता था, रोता हुआ कहता था, चीखता हुआ कहता, हाँ हाँ इबनी कई भाई उसल्ली, आए मेरे बेटे की नमाज का क्या बनता होगा। तो काफरों के मुल्क में कैद है, अंधेर कोठड़ियों में बंद, उधर को तो अजान की सदाई भी नहीं आती होगी, उधर तो सूरज भी दिखाई नहीं देता होगा। अल-मुजम्मल औसत इब्रानी में लिखा है, मजमू ज़ुहैद में अल्लामा हैस भी लेके आए, साथी बताते हैं कि फिर वो सबर ना कर सका, रोता हुआ पहाड़ी पे चढ़ता है, अल्लाह तू जानता है जब से मेरे बेटे की उम्र 10 साल की हुई है मेरे बेटे ने एक नमाज भी जाया नहीं की, अल्लाह मेरा बस नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, तेरे लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं है, अल्लाह मेरी आवाज मेरे बेटे तक पहुंचा दे। फिर रोता हुआ पहाड़ की चोटी पे चढ़ता, रूम की तरफ चेहरा करता और सदा लगाता, ओ मेरे बेटे अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बेटा जोर की नमाज का टाइम हो गया, बेटा नमाज पढ़ो, बेटा तेरे पास पानी नहीं होगा, मट्टी से तयम्मुम करके बेटा नमाज पढ़ लो, बेटा नमाज नहीं छोड़नी। जब नमाज का टाइम होता पहाड़ पे चढ़ता और सदा लगाता, सोचा जा सकता है ऐसे बाप का बेटा घर में हो और वो नमाज छोड़ दे। रूम से जंग हुई, रूम अल्लाह ने फतह कर दिया, कैदी रिहा हुए, बाप बेटा गले से मिले, बाप ने पूछा, ओ मेरे बेटे इतनी देर कैद में रहे हो, बेटा मुझे बताओ तेरी नमाजों का क्या बनता रहा है। बेटा रो पड़ा, रोता हुआ कहता, बाबा हर नमाज पे आपकी आवाज आती थी कि बेटा फला नमाज पढ़ लो, जब आपकी आवाज आती थी बाबा मैं फौरन, पानी तो होता नहीं था, तयम्मुम करके मैं फौरन नमाज पढ़ लेता था। सहाबा इकराम अपनी औलादों पे ऐसे सबसे ज्यादा सख्ती नमाजों की किया करते थे, फिर उनकी औलादें उनकी आंखों की ठंडक बनी, वो फौत भी हो जाते थे, उनकी कब्रें तैयार भी हो जाती थी, फिर वो औलादें अपने बाप की कब्र पे खड़े होके इतनी इतनी देर भी दुआएं करती रहती थी, जितनी देर में ऊंट ज़िबा किया जाए, उनके गोश्त को बनाया जाए, ऊंट के गोश्त को तकसीम किया जाए, इतनी इतनी देर खड़े होके बाप की कब्र पे रो रो के वो दुआएं किया करते थे। उनके लिए सदका जारिया औलाद बनी, सदका जारिया दुनिया और आखरत में आंखों की ठंडक औलाद वही बन सकती है जिसकी आप दीनी तालीम दीनी तरबियत कर जाए, नमाजी बना जाए, कुरान का उनको कारी बना जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनके पास औलाद है उनको नेक बनाए, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बनाए, जो गोदें खाली हैं अल्लाह अपनी रहमत से माला माल फरमाए। वकूल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह व लकुम अलिसाइकुम। يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ऐ मेरे अल्लाह जितने साथी तशरीफ़ फरमाए हम सबका सुनना सुनाना कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह गुनाहगार ज़रूर हैं लेकिन बंदे तो तेरे ही, अपनी रहमत से हम सबको माफ़ फरमा। अल्लाह हम सबको अपने महबूब पैगंबर के सच्चे गुलामों में शामिल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो साथी परेशान हैं सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। कई औलाद की वजह से परेशान है जिनके पास औलाद है नेक और नमाजी बना। माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना, माँ बाप के लिए सदका जारिया बना।
ऐ मेरे अल्लाह के गुलशन वराने तेरी रहमत को तरस गए, जिनके पास औलाद नहीं नेक साले औलाद अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो गोदे खाली अपनी रहमत से माला माल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कई मरीज और बीमार बैठे हैं, तमाम बीमारों को शिफाएं अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह एक अजीज़ा हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है, अल्लाह उनको शिफाएं अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कई खुद बीमार हैं, कईयों की औलादें, कईयों के अजीज, कईयों के माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाएं अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कई अस्पतालों के अंदर तड़प रहे हैं, कई घरों के अंदर करवटें बदल रहे हैं, वो शहनशाह दुनिया के अंदर तो दवा खाने ही है, शफा खाना तो तेरे ही है, इस तुम्हारे अल्लाह तमाम बीमारों को शफाएं अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कईयों के प्यारे तेरे पास चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना। ऐ मेरे अल्लाह कईयों के माँ बाप तेरे पास चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना। ऐ मेरे अल्लाह जितने भी मुहिदीन फौत हो गए सबकी बख्शिश फरमा, अगर नेक थे तो उनके दर्जात बुलंद फरमा, अगर कमी कुताही वाले थे तो बंदे तो तेरे ही थे, अपनी रहमत से उनको मुआफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमें भी जब तक जिंदा रखना इज्जत ईमान शान वाली जिंदगी नसीब फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह मौत आई ईमान की खूबसूरत हालत की शहादत की मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस मरकज़ को क़यामत तक आबाद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जिन साथियों ने आज का ये अहतमाम किए इंतज़ाम किए अल्लाह कबूल फरमा, उनके लिए ज़रिया नजात बना। ऐ मेरे अल्लाह कारी साहब ने जो कुरान पढ़ा कबूल फरमा, ऐ मेरे अल्लाह उनको अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बना। ऐ मेरे अल्लाह ये मुल्क हमने तेरे नाम पे हासिल किया, तो खुद इसकी हिफाजतें फरमा, ज़रूरियात ज़िंदगी आसान बना। ऐ मेरे अल्लाह जो तेरे नाम पे बने हुए मुल्क की हिफाजत में लगे हुए हैं तो उनकी मदद फरमा, जो दुश्मन है उनको हिदायत अता फरमा। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।